हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए पुनर्बलन कौशल से संबंधित वीडियो को लेकर आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि पुनर्बलन कौशल क्या होता है, कल क्लास में पुनर्बलन कौशल किस प्रकार से दिया जाता है या पुनर्बलन कौशल के लिए किस तरह से प्रश्न तैयार किए जाते हैं, क्लास में आप जब खड़े हैं कक्षा में बच्चों के सामने तो आपका हाव भाव कैसा होना चाहिए, किस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए, किस तरह से आपको प्रतिक्रिया देनी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो है, पार्ट थ्री है, जिसमें हमने पुनर्बलन के लिए लेके संबंधित वीडियो है। इसके पहले मैं दो वीडियो और बना चुकी हूँ, जिसमें पहला वीडियो है वो माइक्रो टीचिंग के लिए है और दूसरा वीडियो मैंने प्रस्तावना कौशल से संबंधित वीडियो बनाई थी, जिसमें कि प्रस्तावना कौशल के किस तरह से प्रश्न तैयार किए जाते हैं और प्रस्तावना कौशल के लिए क्लास में किस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है, उससे रिलेटेड वीडियो बनाया था। तो आइए इस वीडियो पे आगे चलते हैं, जिसे पुनर्बलन कौशल या जिसे हम रीइन्फोर्समेंट स्किल भी कहते हैं। और पुनर्बलन कौशल से संबंधित मैंने 5 सैंपल पेपर भी आपको दिए हैं, ताकि आप खुद से बना सकें कि किस तरह से पुनर्बलन कौशल के लिए प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं, शुरू करते हैं हम। तो पहले हम जानेंगे कि कोई भी कौशल है तो कौशल कहाँ से आया है, वो आया है सूक्ष्म शिक्षण से। सूक्ष्म शिक्षण क्या होती है, उसे हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। ठीक है, तो पहले हमें जानना है कि माइक्रो टीचिंग क्या है। तो इसमें आप देखिए, बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी अध्यापक प्रशिक्षण प्रक्रिया है, यानी कि क्या है कि एक टीचर ट्रेनिंग है, जिसमें शिक्षकों की ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें अध्यापक बनने से पहले आपको प्रशिक्षण लेना होता है कि बच्चों को किस प्रकार से तर्कपूर्ण और प्रभावपूर्ण शैली से पढ़ाया जा सके। तो इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यदि आप खुद पढ़ा रहे हैं, आप खुद स्टूडेंट हैं और आपको बच्चों को दे दिया जाए कि आप पढ़ाइए, तो आप क्या होंगे, थोड़ा सा खुद भी डरेंगे, क्योंकि आप जस्ट स्टूडेंट से टीचर बन के आए हैं। तो उससे पहले आपको क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप खुद को ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि आपको कैसे क्लास में जाना है, कैसे बच्चों से बातचीत करना है, आपका हाव भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए, क्लास में कैसे खड़ा होना है, सारी चीजों को सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत जब आप आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि सूक्ष्म शिक्षण जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत हमें भिन्न भिन्न कौशलों को पढ़ना होता है। तो देखिए, हर विद्यालय में, हर कॉलेज में अलग अलग तरह के कौशल के प्रकार दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल 8 कौशल को लेके आई हूँ, जिसमें से आज हम सिर्फ एक कौशल के बारे में पढ़ेंगे, पुनर्बलन कौशल। इसके अलावा प्रस्तावना कौशल से संबंधित वीडियो मैं बना चुकी हूँ, और दूसरा है खोजपूर्ण कौशल, तीसरा पुनर्बलन, चौथा उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पांचवा व्याख्यान कौशल, छठा दृष्टांत कौशल, सातवां श्यामपट लेखन कौशल और प्रदर्शन कौशल। इन सारे कौशलों से संबंधित मैं वीडियो आपको वन बाय वन, मैंने लेसन प्लान भी बना रखे हैं, उससे भी आप देख सकते हैं, प्लस मैं एक एज सच वीडियो भी बना रही हूँ, तो आप उसे वन बाय वन देखते रहेगा। तो ये मेरा तीसरा वीडियो है पुनर्बलन कौशल के लिए। आइए देखते हैं कि पुनर्बलन कौशल क्या होता है। तो पुनर्बलन कौशल क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो ये डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग लिया है मैंने कि क्या होता है, तो इसमें पहले हम जानेंगे पुनर्बलन कौशल का क्या अर्थ होता है, दूसरा है कि पुनर्बलन कौशल किसे कहते हैं, पहले तो हम अर्थ जानेंगे, फिर पुनर्बलन कौशल किसे कहते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि पुनर्बलन कौशल कितने प्रकार के होते हैं, उसके साथ ही साथ जितने कौशल होते हैं उनके अपने अपने घटक होते हैं, तो इस पुनर्बलन कौशल का क्या मुख्य घटक है उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ पुनर्बलन का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे, और लास्ट में कि पुनर्बलन के प्रश्न कैसे होने चाहिए, इसको हम आपको सैंपल पेपर के माध्यम से समझाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम शुरू करते हैं पुनर्बलन का क्या अर्थ होता है, जिसमें आप देख सकते हैं पुनर्बलन यानी कि जिसे हम रीइन्फोर्समेंट स्किल भी कहते हैं। पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है, आंतरिक बल, आंतरिक बल मतलब अंदर का बल। इसमें हम क्या करते हैं, आंतरिक बल यानी कि छात्रों के अंदर जो उनका आंतरिक बल है उसको हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको अंदर से मोटिवेट करती है, किया जाता है छात्रों को, उन्हें प्रेरित किया जाता है, ताकि जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और हम बच्चों से अगर कुछ पूछ रहे हैं तो बच्चे हमसे बात करें, हमसे इंटरेक्शन करें, यदि हम कुछ पूछें तो हमारी बात की प्रतिक्रिया करें यानी कि अनुक्रिया करें। तो यही लिखा हुआ है, पुनर्बलन का अर्थ होता है आंतरिक बल, अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना, अर्थात उन्हें प्रेरित करना, जिससे कि छात्र अनुक्रिया कर सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट साथ ही साथ और क्या है इसमें, पुनर्बलन जो हम पुनर्बलन देते हैं उनको प्रेरित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, वो क्या काम करता है, किस तरह का कार्य कर, उद्दीपन का कार्य करता है। ठीक है, जो पुनर्बलन है वो एक उद्दीपन का कार्य करता है, और इसी उद्दीपन हेतु छात्र क्या करते हैं, जब उन्हें उद्दीपन दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो ये हो गया पुनर्बलन का अर्थ। देखिए, बीएड एग्जाम वगैरह में भी जो आता है, तो आप ये आपका साथ ही साथ आप समझिए कि थ्योरेटिकल पेपर भी आपका तैयार हो रहा है। उसके बाद हम अब नंबर आता है पुनर्बलन कौशल किसे कहते हैं।
तो किसे कहते हैं पुनर्बलन कौशल? तो पुनर्बलन कौशल क्या है? पुनर्बलन कौशल द्वारा छात्रों के मनोबल और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने का कार्य किया जाता है। यानी पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, छात्रों का जो मनोबल होता है और उनके अंदर जो आत्मविश्वास है उसको हम बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और यह छात्रों को आंतरिक रूप से बदलने में उनकी सहायता करता है। मतलब जैसे कुछ छात्र होते हैं शाही होते हैं, वो कभी किसी बात का रिप्लाई नहीं करते, उनको शर्म आती है कि नहीं मैं नहीं दूंगा या फिर मेरा आंसर गलत हो जाएगा, तो बच्चे क्लास में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अपनी सहभागिता जाहिर नहीं करते हैं। तो हमारा पुनर्बलन का कार्य यही है कि हम छात्रों को इतना मोटिवेट करें कि छात्र खुद आगे बढ़ गया, उन्हें कोई क्या समस्या है या फिर कोई प्रश्न उनको नहीं समझ में आ रहा तो खुद उठ के पूछे, या हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका आंसर करें। तो यही चीजें कि पुनर्बलन कौशल द्वारा छात्रों के मनोबल और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने का कार्य किया जाता है, या छात्रों को आंतरिक रूप से बदलने में उनकी सहायता करते हैं तथा जिससे वह अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सके। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, छात्रों में सकारात्मक सोच का भी विकास किया जाता है। सकारात्मक सोच, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि बच्चों के मन में होता है ऐसा ना हो कि मैं गलत आंसर कर दूं, यानी कि उनके अंदर नकारात्मकता है कि मेरा आंसर गलत हो जाए, बच्चे सभी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे या टीचर मुझे डांट देंगे, तो हमें वो निगेटिव चीज को निकाल के उनके अंदर एक पॉजिटिव सोच डालनी है। दूसरा है, या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि पुनर्बलन कौशल द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है, ठीक है। अपना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसा बनाया जाता है, प्रभावशाली बनाया जाता है, और छात्र अध्यापकों में इसका विकास कर उनमें कुशल शिक्षक के गुणों का समावेश किया जाता है, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया, याद कर लीजिएगा डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है। उसके बाद आता है पुनर्बलन कौशल का उद्देश्य, आखिर क्या उद्देश्य है इसे करने के लिए। तो इसका उद्देश्य क्या है कि छात्र अध्यापक में, अब ये पुनर्बलन कौशल का जो उद्देश्य है ये किसके अंदर देखा जाएगा, ये छात्र अध्यापक में, यानी कि जो टीचर पढ़ाने जा रहा है उसके अंदर की बात हो रही है, कि यह छात्र अध्यापक में छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करने की योग्यता को विकसित करना। मतलब कि छात्र को योग्य बनाया जाता है कि बच्चों को वो प्रेरित कर सके, ठीक है। दूसरा, छात्र अध्यापक में विभिन्न पुनर्बलन करने वाले शब्दों को प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करना। मतलब कि जो पुनर्बलन करने वाले शब्द हैं उनको वो जब जब आप बोला रहेगा तभी तो उसका जबान टूटेगा कि हाँ ठीक है मुझे ये बोलना है, शाबाश बोलना है, बहुत अच्छा बोलना है, गुड वेरी गुड बोलना है। तो उसके लिए भी जो है उसकी योग्यता को विकसित करने का कार्य करना। तीसरा क्या है, छात्र अध्यापक में पुनर्बलन करने वाले शब्दों को सही जगह पर प्रयोग करने की योग्यता को विकसित करना, ठीक है। कि हमें जो शब्द यूज करने हैं पुनर्बलन के उसको सही जगह पर यूज किया जाए, ये नहीं कि कहीं भी यूज किया जाए, ठीक है, उस योग्यता को भी विकसित करना। ये तीन इसके उद्देश्य होते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि पुनर्बलन कौशल के प्रकार कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पुनर्बलन कौशल जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जो जिसे हम धनात्मक पुनर्बलन या फिर सकारात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं। दूसरा है ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। धनात्मक पुनर्बलन को फिर से दो भाग में बांटा गया है, शाब्दिक में और अशाब्दिक में। वहीं अशाब्दिक पुनर्बलन को भी दो भाग में बांटा गया है, शाब्दिक और अशाब्दिक में। उसके बाद नंबर आता है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपने देख लिया धनात्मक पुनर्बलन के बारे में कि धनात्मक पुनर्बलन क्या है। तो इस प्रकार के पुनर्बलन के प्रयोग से छात्रों में सकारात्मक पक्ष के साथ उनसे अनुक्रिया कराई जाती है। मतलब कि बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डाला जाता है कि हाँ उनको बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को पॉजिटिव जवाब देना चाहिए, बच्चों को क्लास में इंटरेक्ट करना चाहिए, ये सकारात्मकता उनके अंदर भरी जाती है। क्या करते हैं इसके लिए, धनात्मक पुनर्बलन में छात्रों को प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो किस तरह से सकारात्मकता उनके अंदर आएगी कि हम बच्चों को पुरस्कार दें, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जिससे वही परिस्थिति दोबारा आने पर वह उचित अनुक्रिया दे सके। और इससे क्या होगा, इस उद्दीपन की प्रस्तुति करने से उनके अनुक्रिया देने की उम्मीद में वृद्धि होती है। जब आप किसी को उसके काम का इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे, तो क्या होगा, छात्र को लगेगा कि अरे वाह इसको करने से मुझे तो ट्रॉफी मिला, मुझे क्लास में मॉनिटर बना दिया गया, या मुझे ये कार्ड मिला, तो वो क्या करेगा, वो अनुक्रिया बार बार देगा, ठीक है। तो ये हो गया धनात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत क्या होता है, धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग जो है छात्रों में दो प्रकार से किया जाता है, शाब्दिक तरीके से और दूसरा है अशाब्दिक तरीके से। तो अब हम देखते हैं कि शाब्दिक क्या होता है। शाब्दिक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शब्दों के माध्यम से। इसमें हम क्या करेंगे, शाब्दिक पुनर्बलन में छात्रों को शब्दों के माध्यम से प्रेरित किया जाता है, जिससे उनके उत्तर देने पर उनको क्या बोलते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, ठीक, बहुत सही, बहुत शानदार जवाब दिया आपने, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अशाब्दिक पुनर्बलन क्या है, अशाब्दिक मतलब शब्द नहीं बोल रहे हैं हम, बल्कि अपने शरीर के जो हाव भाव है, हमारी भाव भंगिमा है, उसके थ्रू हम बच्चों को पुरस्कार दे रहे हैं। क्या क्या कौन कौन सी भाव भंगिमा है, कि सही उत्तर देने में छात्र को देखकर मुस्कुराना, या उनकी पीठ को
थपथपाना या फिर उनके उत्तरों को श्याम पट पर लिखना आदि, ये सब क्या है? अशाब्दिक पुनर्बलन है, यानी कि इसमें हमने शब्दों का प्रयोग नहीं किया। नेक्स्ट होता है आपका ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन यानी कि निगेटिव पुनर्बलन है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो ऐसी अनुक्रिया को रोकने का प्रयास किया जाता है जो उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए हानिकारक होती है। तो जैसे कि कोई भी ऐसी चीज है कि हम नहीं करेंगे जिससे कि बच्चा डर जाए, क्लास में कुछ सीखना ही ना चाहे, जैसे कि क्या है, छात्रों का ऐसा व्यवहार जो उनके शिक्षण में उनको हानि पहुंचाने का कार्य करता है, इनको दूर करने के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे को आप बार बार पूछ रहे हैं, बच्चा कोई जवाब ही नहीं दे रहा है या गलत जवाब दे रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को दंड दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चौक से मार रहे हैं, स्केल से मार रहे हैं, उसकी कॉपी उठा के फेंक रहे हैं, तो इस तरह का जो है आपका जो व्यवहार होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये है ऋणात्मक पुनर्बलन है। तो इसमें भी देखिए कुछ चीजें हैं, ऋणात्मक पुनर्बलन को भी कह रहा है कि दो तरह से होती है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में मतलब शब्दों का प्रयोग करके आप ऋणात्मक पुनर्बलन शो कर रहे हैं, जैसे कि आप उसको कह रहे हैं मूर्ख हो, गधे हो, बेवकूफ हो, इस तरह के शब्दों के का प्रयोग यदि आप करते हैं, छात्रों पर गुस्सा करते हैं ताकि वो अनुक्रिया ना करे, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। अशाब्दिक पुनर्बलन में क्या कहेंगे, आप शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, बच्चे ने गलत आंसर किया तो आप क्या करें, बच्चे को गुस्सा दिखा, आंखें दिखा रहे हैं, अपना गुस्से में देख रहे हैं, किताब पटक रहे हैं, तो ये सारे सब चीजें क्या हो गई आपकी, अशाब्दिक पुनर्बलन है। उसके बाद हम आता है नंबर पुनर्बलन कौशल के घटक का। तो देखिए हर कौशल, जितने भी कौशल है, उनके अपने अपने घटक होते हैं, उन्हीं घटकों को ध्यान में रख के ही किसी लेसन प्लान को तैयार किया जाता है। तो कौन कौन से घटक है, तो पहला है प्रशंसनीय या सकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग, दूसरा हाव भाव और अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, तीसरा छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करना, चौथा नकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, पांचवा नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग, छात्रों के सही उत्तरों को श्याम पट पर लिखना, एक ही शब्द का अत्यधिक प्रयोग कर पुनर्बलन न करना, और छात्रों के सुझाव को समर्थन देना। तो ये सारे जो है पुनर्बलन कौशल के घटक होते हैं, जिसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है, थियोरी पेपर में भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इस कौशल के कौन कौन से घटक हैं आप बताइए, ठीक है? तो इसको आपको याद करना है। तो कहीं एक से पांच ही घटक लिखाए जाते हैं, कहीं आठ घटक, कहीं दस घटक, हर विद्यालय का अपना अपना फॉर्मेट है, आप अपने विद्यालय के हिसाब से जो भी आपको सजेस्ट किया जाता है आप अपना लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है पुनर्बलन की शिक्षण अधिगम में उपयोगिता। आखिर क्या उपयोगिता, यह क्यों उपयोगी है? तो क्या करता है पुनर्बलन, पुनर्बलन कौशल के प्रयोग से छात्रों का क्या होता है, मानसिक विकास होता है। छात्रों का मानसिक विकास होगा तो क्या होगा, उनके अंदर चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है? दूसरा और क्या होगा, पुनर्बलन करने से छात्रों में नवीन ज्ञान के लिए उत्सुकता जागृत होती है। जो नया ज्ञान होता है वो बच्चों के अंदर जागृत होता है कि हमें जानना है कि ये क्या होता है, उत्सुकता बढ़ती है उनके अंदर। और तीसरा है पुनर्बलन द्वारा छात्रों में रुचि का विकास होता है, मतलब वो क्या करते हैं, फिर इंटरेस्ट लेने लगते हैं क्लास में, कह रहे वाह सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे तो सर की क्लास करनी है, तो इस तरह से उनमें क्या हुआ, रुचि का विकास हुआ। तो ये तीन जो है इसकी उपयोगिता है। उसके बाद आता है चौथा, देखिए पुनर्बलन करने से क्या होता है, छात्र कक्षा में सक्रिय बने रहते हैं। जाहिर सी बात है पुनर्बलन का प्रयोग कर रहे हैं, छात्र सक्रिय रहेंगे क्योंकि उनको लगेगा मैं आंसर करूं सर मुझसे पूछे, तो क्या होगा, सक्रियता बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जब बच्चे खुद आंसर करेंगे तो उनमें क्या होगा, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, और छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। जाहिर सी बात है जब आपको बार बार इनाम मिलेगा तो आपको क्या होंगे, आप उत्साहित होंगे, ठीक है? फिर है पुनर्बलन द्वारा स्वास्थ्य मानसिकता का विकास होता है, सच कि जब हमें अच्छा स्वस्थ मानसिकता होगी, जब हमें लगेगा अरे वाह सर तो बहुत अच्छे हैं, मेरे आंसर को सही कर दिया उन्होंने, या मैं जवाब दे सकता हूँ, सर ने मुझे समझाया, तो क्या हुआ, स्वस्थ मानसिकता का विकास हुआ। साथ ही साथ पुनर्बलन द्वारा छात्रों की पर्याप्त सहभागिता बनी रहती है। सहभागिता मतलब सहभागी बनना, मतलब कि आपके साथ ही साथ जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है बच्चे भी उसी हिसाब से इंटरेस्ट लेके क्लास में आगे पढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद है पुनर्बलन कौशल के उपयोग में सावधानियां, कुछ सावधानियां हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। पहला, जैसे कि छात्र को उचित मात्रा में ही पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए, ठीक है? उचित मात्रा में, जैसे कि यदि मानो किसी बच्चे से पूछ लिया कि आपने बेटा तुम कहाँ रहते हो, तो बच्चा अपने घर का लोकेशन तो बता ही सकता है ना कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो आप उसके लिए वाह वाह बहुत अच्छे तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो ये चीज नहीं करना है, उचित मात्रा में पुनर्बलन देना है। मतलब कि आसान प्रश्न में पुनर्बलन देने की जरूरत नहीं, अच्छा ठीक है ऐसे जवाब देना है, ठीक है? फिर दूसरा, उचित छात्र को भी पुनर्बलन देना चाहिए। जैसे कि आप बच्चे ने कुछ पूछा और आपने पूछा बच्चे ने आंसर किया, बच्चे का सही जवाब था, तो आपने क्या किया, छात्र को पुनर्बलन किया दिया, ठीक है? तो उचित मात्रा में जो जिस छात्र ने आंसर किया उसी को देना, ये नहीं कि जो अच्छा बताया उसको आपने कम दिया और जो नहीं अच्छा बताया उसको आप बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है,
ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा छात्र प्रेरित होने की जगह अप्रेरित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। चौथा है, धनात्मक पुनर्बलन में स्थिति के अनुसार ही उचित पुरस्कार का चयन किया जाना चाहिए। मतलब कि जिस तरह का प्रश्न था, जो भी आपने पुनर्बलन दिया, वो जिस तरह की परिस्थिति है, उत्पन्न स्थिति है, या क्या मोटिवेट जगह है, उचित पुरस्कार देना चाहिए। जैसे यहाँ भी दिया है ना कि प्रयोग उत्पन्न स्थिति एवं परिस्थिति के अनुसार ही किया जाना चाहिए। तो ये सारी सावधानियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है, पुनर्बलन कौशल के लिए खुद को कैसे तैयार करें। तो देखिए, ये क्लास का पार्ट है, ये आपका जब आप कक्षा में जब टीचिंग स्किल के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप जरूर देखिए, जरूर सुनिए। तो इसमें पहला है कक्षा शिष्टाचार, यानी कि आप पहले क्लास में जाएंगे, क्लास में जाने के बाद आप बच्चों को देखेंगे, बच्चों को देख के आप बच्चे आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, या फिर आप भी बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग क्लास, या गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं, ऐसे करके बच्चों से थोड़ा सा मीठा बात करना है आपको। उसके बाद जो है कक्षा शिष्टाचार हो गया, बच्चे भी कहेंगे, फिर आप बच्चों को बोलिए बैठ जाइए, बच्चे बैठ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड भरना। ब्लैक बोर्ड भरना में आपको पता है कि क्या होगा, आपको डेट, कक्षा दिनांक, विषय, उप विषय, ये जो तालिका बनती है वो तालिका आपको ब्लैक बोर्ड पर बनानी होती है। तो उस तालिका को बनाइएगा, आप उसको फिल करिएगा, फिल करने के बाद प्रकरण लिख के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, प्रकरण लिख के छोड़ देंगे ब्लैक बोर्ड पे, उसके बाद आप जो है बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ लिखा है ना, तीसरा पाठ से संबंधित प्रश्न पूछना, आप सब प्रश्न पूछेंगे, बच्चे आंसर करेंगे, उसी के हिसाब से प्रशंसनीय या सकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग करेंगे। और बच्चे अगर सही आंसर देंगे तो उन उत्तरों को आप क्या करेंगे, श्याम पट पर, और साथ ही साथ आभार व्यक्त करेंगे कि जब खत्म हो जाएगा तो आप बच्चों का आभार व्यक्त करेंगे, थैंक यू क्लास, आपने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया, आप लोगों ने कक्षा में बहुत आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है, आप लोगों के साथ पढ़ के अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छी क्लास है, मतलब आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, आपकी क्लास बहुत अच्छी है, आप जैसे बच्चे हर क्लास में होने चाहिए, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इस तरह से करके बच्चों को मोटिवेट करना है। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं कि जो मैंने कहा था कि 5 सैंपल पेपर मैं आपको दिखाऊंगी, तो आइए 1 by 1 सैंपल पेपर पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि ये है पुनर्बलन कौशल वृत्त के लिए। ठीक है, तो वृत्त है मैथ्स क्लास के लिए है, तो इसमें हमने क्या किया कि पहले दिखा दिया कि चूड़ी को दिखाया, या चूड़ी दिखा के, या फिर रोटी के बारे में पूछ सकते हैं कि बेटा चूड़ी दिखाया तो पूछा चूड़ी कैसी होती है, या फिर रोटी का आकार कैसा होता है, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि गोलाकार होता है। जब बच्चे कहेंगे गोलाकार तो आप क्या बोलेंगे, शाबाश। फिर पूछेंगे गोलाकार आकृति को गणित की भाषा में क्या कहते हैं, तो बच्चे क्या कहेंगे, गणित की भाषा में उसे वृत्त कहते हैं। तो आप क्या आंसर किया, मोटिवेट किया उसको, पुनर्बलन दिया, बहुत अच्छा, और मुस्कुराया आपने। ठीक है, फिर पूछा वृत्त से क्या तात्पर्य है, तो बच्चे बता सकते हैं स्थिर बिंदु से समान दूरी पर बने बिंदु पथ को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो बिल्कुल सही कहा, सहमति में सिरी लाना तथा उत्तर का आप स्पष्टीकरण भी देंगे, जो भी बच्चे ने आंसर किया है कि हाँ स्थिर बिंदु से समान दूरी पर बने बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। फिर आप पूछेंगे कि वृत्त के कुछ उदाहरण बताइए, तो बच्चे बताएंगे कि चूड़ी है, घड़ी है, प्लेट है, थाली आदि। फिर आप कहेंगे बहुत बढ़िया, और हाँ की सहमति में सिर हिलाएंगे। फिर पूछेंगे आप कि वृत्त के बीच में उपस्थित बिंदु को क्या कहते हैं, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, उसे केंद्र कहते हैं। आप बोलेंगे वेरी वेरी गुड। फिर पूछा कि इस वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, तो बच्चे बताएंगे कि असंख्य त्रिज्या होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। साथ ही क्या करेंगे, आप उसका स्पष्टीकरण करके भी दिखाएंगे कि देखिए इस तरह से उसमें किसी भी वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं। फिर पूछ दिया कि वृत्त के 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो बराबर बांटने वाली रेखा को कहते हैं व्यास कहते हैं। फिर पूछा वृत्त का व्यास हमेशा किस बिंदु से होकर गुजरता है, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि व्यास हमेशा जो है केंद्र से होकर गुजरता है, क्योंकि अगर ये वृत्त ऐसे बनाए तो ऐसे बीच से जाएगा। शाबाश, आप जवाब देंगे। फिर वृत्त को 2 असमान भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे जीवा कहते हैं। आप बोलेंगे बहुत अच्छा। फिर पूछा व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो व्यास का बच्चे बता देंगे व्यास बराबर 2 × त्रिज्या, सही जवाब, और बच्चे का पीठ थपथपाएंगे। फिर पूछ दिया कि वृत्त के वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, बच्चे आंसर करेंगे तो बिल्कुल ठीक, साथ ही आप उसका क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे किस तरह से आप बनाएंगे कि ये परिधि है। फिर वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए, 2πr, बच्चे बता देंगे सही जवाब। फिर बताएं पूछेंगे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, बच्चे बता देंगे πr² बहुत अच्छे। तो इस तरह से करके आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। देखिए प्रश्नों की संख्या जो होगी 5 से 10-15 हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपको स्कूल में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह से आपके टीचर बोले हैं आपको प्रश्न तैयार करने के लिए। तो ये मैंने वृत्त के लिए मैक्सिमम प्रश्न बना के दिया है, तो क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मांगते हैं। ठीक है, तो ये मैंने उनके हिसाब से प्रिपेयर किया था। आप देखिए साइंस के लिए तीव्र तथा मंद परिवर्तन, इसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, 7 क्वेश्चंस ही दिए हैं। जैसे कि पूछा परिवर्तन किसे कहते हैं,
तो बच्चे ने कहा कि किसी भी तरह के बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। फिर पूछा परिवर्तन कितने प्रकार के, फिर हमने क्या पुनर्बलन दिया, अच्छा। फिर पूछा परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों ने किया दो, तीव्र दमन। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तीव्र परिवर्तन से क्या मतलब है, तो तेजी से होने वाले परिवर्तन को। शाबाश, मुस्कुरा कर कहा वाह बहुत अच्छे, शाबाश आपने मतलब जल्दी आंसर सही आंसर किया। फिर पूछा तीव्र परिवर्तन का उदाहरण बताइए, सही जवाब में हाँ में सिर हिलाना, ठीक है, उदाहरण दिया, गुब्बारे का फटना, दूध का फटना आदि सब इसके तीव्र परिवर्तन के उदाहरण है, तो सही जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। फिर पूछा अच्छा तो धीमी गति से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो जो तेजी से हो रहा हो तीव्र परिवर्तन, तो धीमी गति से होने वाले परिवर्तन क्या कहेंगे, मंद परिवर्तन। आप क्या कहेंगे, बहुत अच्छा पुनर्बलन देंगे। फिर मंद परिवर्तन का उदाहरण बताइए, तो बच्चे बताएंगे कि नाखून का बढ़ना, बच्चों में लंबाई का बढ़ना, दूध से दही का बनना, ये सब क्या है, मंद परिवर्तन है। फिर क्या करेंगे, उत्तर की सहमति में सिर हिलाएंगे तथा उत्तर का स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है। फिर रसोई गैस का जलना किस तरह का परिवर्तन है, तो ये तीव्र परिवर्तन है, बिल्कुल सही, मुस्कुराते हुए हाथ से बैठने का इशारा करेंगे। मतलब इस तरह से आपने क्या किया, उनको पुनर्बलन दिया बच्चों को। और देखिए आपको पता है कि पुनर्बलन की जो अवधि होती है वो सिर्फ 6 मिनट की होती है, 6 मिनट के अंदर ही आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं और उसके आंसर लेने होते हैं, उसमें आपको पुनर्बलन देना होता है, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा, ये तीसरा प्रकरण है ये जीव विज्ञान का, पौधों का वर्गीकरण साइंस के लिए, कि पुष्पी पौधे किसे कहते हैं, फूल वाले पौधों को कहते हैं। आप इसे देख लीजिए कि किस तरह से मैंने इसका बना रखा है उदाहरण, सही जवाब हाथ से बैठने का इशारा, तो इस तरह से करके मैंने एक पौधों का वर्गीकरण से संबंधित एक वीडियो दिया है जो कि पुनर्बलन के लिए आधारित है। फिर इसी तरह से मैंने हिंदी के लिए भी बनाया है, हिंदी में अलंकार को लिया है, तो अलंकार में भी दिया है मैंने कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बच्चे ने कहा अलंकार, मैंने कहा शाबाश। फिर अलंकार की तुलना किससे की गई है, तो आभूषण से, तो इस तरह से करके मैंने उससे भी संबंधित दिया हुआ है, तो आप उसे भी देख लीजिए, ये भी एक टाइप है। आप प्रश्न वन बाई वन देख सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, और चूंकि वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कि किस प्रश्न के लिए कैसे तैयार किया गया। वैसे मैंने सिंगल वीडियो भी बना रखा है, आप आगे मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने इन सब के बारे में डिटेल में बना रखा है, तो आप वहां से भी आप ये फॉर्मेट देख सकते हैं। फिर ये देखिए ट्रायंगल के लिए है, रेखा गणित के लिए 6 मिनट का है, तो इसमें हमने बच्चों से आकृति, तीन भुजाओं से बनी आकृति के लिए बारे में पूछा, त्रिभुज के बारे में बताया है और पुनर्बलन दिया है, ठीक है। तो जो भी ब्लैक लाइन से इस तरह से डार्क कलर में, शाबाश, ये सब पुनर्बलन है, इसको आप ये देखिए बहुत बढ़िया था। साथ ही उत्तर का स्पष्टीकरण देना, सैंपट का प्रयोग भी करेंगे, मतलब सैंपट का प्रयोग भी करना है, स्पष्टीकरण भी देना है, हावभाव भी देना है, धनात्मक पुनर्बलन भी देना है, ऋणात्मक पुनर्बलन की कोशिश करना है कि नहीं देना, बहुत जब तक, बहुत जब तक जरूरी ना हो तब तक आपको ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं देना है, ठीक है। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये इस तरह से करके ये हमने क्वेश्चंस पूछ लिया बच्चों से। और ये देखिए मैथ्स के मैंने कितने क्वेश्चन दिए, 11 क्वेश्चन बना के दिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये था कि कहीं कहीं किसी किसी विद्यालय में 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8, कहीं 10, कहीं 12, तो मैंने 11, 12, 13 जिस तरह से रिक्वायरमेंट आई है बच्चों की मैंने उस हिसाब से बना दिया है वीडियो, और आपको सिंगल वीडियो भी मिल जाएगा इन सारे टॉपिक पे देखने के लिए। तो फ्रेंड्स होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।